गाइज अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को बार बार रमजान मुबारक। गाइज ये है मेरा तीसरा रेसिपी कस्टर्ड फ्रूट। ओके बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहले स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ग्रेप्स, हिंदी में बोल देती हूँ, अंगूर, सेब, केला, ये है काला अंगूर, यह है अनार। गाइज दूध और फिर से बताना। हाँ अच्छा, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, एप्पल, बनाना, ये है काला अंगूर और ये है अनार। ठीक है मिलान। फिर उसके बाद हमें एक एक बाउल मतलब छोटा सा कप हमें चीनी ले लेना है और दूध। ठीक है अब हम चलते हैं किचन की ओर। गाइस हमने ये बड़ा इसे हम क्या बोलते हैं कढ़ाई, हाँ, पतीला, पतीला पतीला हमने बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि हमें ज़्यादा बनाना है और हम दूध जितना बनाना है आप अपने देख लीजिए कि कितना बनाना है, आप उसी हिसाब से आप दूध ले लीजिएगा। तो मैं मैक्सिमम सारी ही दूध ले लूँगी। तो मैंने इसको 5 से 10 मिनट मैंने इसको उबाला है क्योंकि जिसने कम करा है तो उसको सिर्फ 3 से 4 मिनट रखना है और जिसने ज़्यादा करा है, जैसे मैक्सिमम 3 थैली हमने डाला मम्मी, तो हमें करना है 5 से 10 मिनट हमें रखना है। तो मैंने 9 मिनट रखा है, वो उबाला है देख सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे एक एक कटोरा चीनी, मीठा नहीं नहीं फिर हम ऐसे डालें कस्टर्ड भी मीठा होते हैं। हाँ वो बाद में डालेंगे मम्मी बाद। तो अब हमें इसे और कम से कम 3 से 4 मिनट हमें ऐसे करना है। कस्टर्ड पाउडर मिलाने जा रही हूँ, आप देख सकते हो मैं कस्टर्ड पाउडर बहुत वलीना फ्लेवर यही होता है, सॉरी वलीना फ्लेवर यही होता है, मार्केट में आपको इजीली मिल सकता है, आपको मिल जाएगा आपको। तो मैं इस पे करूँगी क्योंकि मुझे कंफर्टेबल होगा क्योंकि मैं गिरा देती हूँ। तो इसे हम लेंगे 4 चम्मच, इसमें पानी मिलाऊंगी। अब मैं ये डालने वाली हूँ, ये देखिए वनीला ये मैंने डाल दिया, दिखाइए गाइस आप देख सकते हो, पास से दिखाइए मम्मी, जब आप डालोगे तो ये हमारा गाढ़ा बना दिखेगा। ये हमारा हो चुका है, अब हम इसे बाउल में कन्वर्ट मतलब उसमें डालेंगे, मैंने बंद कर दिया है और उसको हम 2 घंटा रखेंगे। ओके गाइस हम दिखाते हैं आपको, दिखा दीजिए मम्मी। अब हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे, बिस्मिल्लाह, बस बंद कर दीजिए। ये देखिए गाइस ये हमने पूरा डाल दिया है अच्छे से, मम्मी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, खूबसूरत लग रहा है। ठीक है तो हमें इसे 2 घंटा रख देना है ढककर, तो हम यहाँ पर इसको इधर रख, तो अब हम इसे ढक देंगे। अब हम इसे रखेंगे मैक्सिमम 2 आवर मतलब 2 घंटा। ओके ठीक है मम्मी रख दीजिए। 2 घंटा हो गया है हमारा, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बना है ना मिजान। तो आप सबसे पहले आप हम सारे फ्रूट्स डालेंगे, तो सबसे पहले हम एप्पल क्या मम्मी ये सेब एप्पल एप्पल ठीक है, ये हमने सारे सेब डाल दिए, अंगूर, अनार, काला अंगूर है भर गई तो विदान, और ये है स्ट्रॉबेरी, आराम से आराम से। फिर लास्ट है हमारा है ना है चिपक रहा है, बस हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि ये उबल रहा है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे धीरे धीरे, उठा हाँ छोटा चम्मच से कर। सो गाइस ये देखिए आराम से करना है, मैंने कुछ ज़्यादा मतलब पूरा भर गया फ्रूट्स मैंने भर भर के डाले हैं इसीलिए, लेकिन मैंने ये पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप ये देख सकते हो। सो गाइस मेरा बन के रेडी हो गया है फ्रूट कस्टर्ड, मम्मी जूम हो जाइए, माशाल्लाह माशाल्लाह ऑन टॉप, लार लार लजीज लग रहा है, है ना है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बिस्मिल्लाह, हिर रहमान रहीम।
माशाल्लाह मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बेहतरीन, लजीज लजीज होता है मम्मीदार। हाँ हाँ वही, और बहुत लाजवाब, बहुत खूबसूरत। सो गाइस इधर देखिए मम्मी। सो गाइस अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस छोटी साहिबा ब्लॉग में जाइए, क्लिक करिए एंड मेरी रेसिपी वहाँ पर मौजूद है। सो गाइस अगर आपको पसंद आए, आप सभी सारी क्या बोली जा रही थी, आप सभी को 12 रमजान मुबारक। हाँ ये तो बोल दिया मैंने, सॉरी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज गाइज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। असलाम।